नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जो वीडियो मैं बना रहा हूं मेरी लाइव क्लासेस की वीडियो है। मैं क्लासेस दो सॉफ्टवेयर से लेता हूं, क्या तो आप गो टू मीटिंग से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन गो टू मीटिंग थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लेता है। एक हमारे पास जूम है, हम जूम के जरिए क्लास लेते हैं, लेकिन जूम में प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें स्पीड तो कम लेती है, लेकिन कई सारे कंट्री में बैन है, जैसे कि आबू बहरीन, कुवैत, यूएई, दुबई वगैरह कंट्रीज में बैन है। तो यहाँ पे हम गो टू मीटिंग क्लासेस लेते हैं। तो ये गो टू मीटिंग और जूम ऐप करता क्या है, ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को लाइव आपके कंप्यूटर पे टेलीकास्ट करता है। जी हाँ, लाइव टेलीकास्ट करता है। तो जो ये आपका इनविटेशन यूआरएल है, ये यूआरएल चाहिए होगा, तो मैं ये यूआरएल जो है भेज दिया है अपने जो भी हमारे अभी के 11 बजे बैच के जो अटेंडीज हैं उनको मैंने भेज दिया है। वो कुछ ही समय में ज्वाइन करेंगे और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। साथ में स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आप नोट कर लें कि इन फ्यूचर में कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। जी हाँ, हेल्प ले सकते हैं। अभी देखिए रेशम जी आ गए। रेशम जी, गुड गुड मॉर्निंग, यस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मैम? गुड मॉर्निंग। हाँ, सब ठीक ठाक। ओके, तो वी लुकअप समझ में आ रहा है ना आपको? मैं हाँ, थोड़ा बहुत तो आ रहा है। फिर मुझे वो जितना टाइम मिलता है, अभी मैं दिसंबर में थोड़ी फ्री हो जाऊंगी तो सारे वीडियोस बैठ के देखूंगी। मिड दिसंबर के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा। तो मतलब कि हर क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी होती है। देखिए जूम ऐप पे हमारे रजनीकांत जी आ गए हैं और विकास जी आ गए, तो टोटल 3 बंदे हैं। एक दुबई से है, रेशम जी दुबई से है, रेशम जी दुबई से है, वहां पे उनका ये जूम ऐप नहीं चलता है, इसलिए हमने उनको गोटो मीटिंग दिया हुआ है। और दो रजनीकांत जी और विकास जी इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटी से है, बैठ के बात कर रहे हैं क्लास, अब उससे बातचीत भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो रजनीकांत जी कैसे हैं? जी बढ़िया बताएं। हम भी ठीक है। विकास चौहान कैसे हैं? जी अच्छे। ओके, विकास चौहान जी, रजनीकांत जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ये भेजा था, एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, तो उसमें से आई थिंक किसी एक ने मुझे उसका जवाब भेजा है। विकास जी आपने मुझे इसका जवाब भेजा है, पर रजनीकांत जी और रेशम जी आपके पास नहीं आया हुआ है। रजनीकांत जी क्या हुआ फिशमान आपको? सैलरी सर्टिफिकेट्स फॉर, होल्ड ऑन 1 मिनट। फिशमान सैलरी सर्टिफिकेट्स यू वांट फॉर रजनीकांत जी चौधरी जी क्या हुआ? हाँ आपको भेजना चाहिए था ना। हाँ उसको किया था लेकिन भेज नहीं पाया। लेकिन विकास चौहान जी आपने किया तो है, लेकिन आपका अधूरा है। अधूरा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपने तो बी लुकअप लगाया है, अपना डेटा भी ले आया है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेकिन इसमें आपने इफ का कंडीशन दिया हुआ है, जरूरी नहीं है, और यहां भी आपने सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको इफ पढ़ाया था उस समय मैंने ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट करना सिखाया था, तो यहां भी हम उसी चीज का यूज करेंगे। क्या करेंगे कि हम इक्वल करेंगे और इस 1 सितंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहां पर कंडीशन देंगे कि इफ अगर 1 सितंबर में +1 करने से अगर बड़ा है हमारा 2 डे, एक बोल कीजिएगा हर्षद जी। अजय जी मैं आपको 5 मिनट, 5 से 10 मिनट कॉल बैक करता हूँ, मैं क्लास में, मैं क्लास करते हुए कॉल करता हूँ।
सॉरी सर एक फोन आ गया, मैं साइलेंट कर देता हूँ फोन। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे देन 6 है, अगर ऐसा हुआ तो ब्लैक होगा क्योंकि मुझे सीरियल नहीं चलानी, मुझे सीरियल जो चाहिए डेट जो चाहिए वो 10 तक का ही चाहिए। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिए। बी 9+1 ही करें। हाँ मैं क्लास की रिकॉर्डिंग की परमिशन देना भूल गया था, मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन कर ली। अब आप लोग अपने अपने सिस्टम पे इस सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो जूम से ज्वाइन किया। अब मैं यहाँ पे इफ एरर का कॉमा लगाऊंगा इसलिए ताकि अगर एरर आया तो ब्लैंक हो जाए, इसमें एरर आएगा। आगे ड्रैग करने से पहले मैं C6 को फ्रीज कर देता हूँ और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा जो सीक्वेंस है उतना ही 10 तक ही क्रिएट है। अगर मैं कल के डेट में बढ़ाता हूँ, मैं करता हूँ मान लीजिए ये आपका सॉरी 15-9, तो 15 तक हो गया। मैं 5-9 से 15-9 करता हूँ तो 5-9 से 15-9 हो गया। तो जो बिटवीन डेट डालूंगा उसी बिटवीन डेट के जो है उसमें चलेगा, ठीक है। सर समझ में आ गया। उसके बाद जो यहाँ पे वी लुकअप लगाया, इसमें इफ वगैरह लगाया, तो इसमें इफ की जरूरत नहीं है। मैच आपने लगाया सही किया है। मैं यहाँ पे वी लुकअप देता हूँ। वी लुकअप पे हमें पूजा को सर्च करना है अपने डेटा में। अब पूजा किस, पूजा का किस डेट का चाहिए? उसके लिए हम यहां मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। मैच मैच के फॉर्मूले में हम सिलेक्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन वाले कॉलम में आएंगे और इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहां सीट फोर में आएंगे और ऊपर पूरा हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, कॉमा जीरो करेंगे और यहां भी कॉमा जीरो भी लुकअप करेंगे। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज करना होगा ताकि हमारे रेफरेंस चेंज ना हो, लेकिन क्यू बी नाइन का सिर्फ 9 फ्रीज करना है और इसको फ्रीज करना है। और मुझे पता है कि आगे यहाँ जो है आपका डेट नहीं होगा वहां पे एरर देगा, तो यहां पे हम इफ एरर का इस्तेमाल कर लेंगे सिंपली। कॉमा ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर। विकास जी एंड रजनीकांत जी, रजनीकांत जी आपने ऐसे ही बनाया था? जी सही बनाया था लेकिन एग्जैक्टली नहीं बन पाया था। विकास जी समझ में आया कैसे बनाना है? जी सर। चलिए समझ में आ गया आपको। अब इसी से ऐसा ही एक क्वेश्चन और हम करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं एक सिंपल डेटा क्रिएट करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं डेटा। डेटा नहीं, मुझे मेरे पास जो डेटा है वो मंथ वाइज है, जैसे कि जैन या क्वार्टर वाइज कर देता हूं मैं यहां पे क्वार्टर वाइज। तो यहां पे हमारे पास नेम है और यहां पे सेल्स, सिंपल। मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ जाएगा। और हम इसके लिए चार शीट में इस डेटा को पेस्ट करते हैं, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4।
और सारे शीट का कॉपी करके एक ही साथ मैं इसको पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूँ ताकि सबका रेंडेबिलिटी का फॉर्मूला रिमूव हो जाए। अभी हो जाएगा हमारा क्वार्टर टू, ये हो जाएगा हमारा क्वार्टर थ्री। तो अभी जो एग्जांपल आपने देखा वीलुकअप का, उसमें क्या था कि हमारी डेटा जो थी वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी कॉलम वाइज बट एक ही सीट में, बट मेरे पास डेटा डिफरेंट डिफरेंट शीट में है और मुझे यहां पे लुकअप करनी है। लेकिन तो बोलेंगे सर सिंपल वीलुकअप लगा लें, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो हेडिंग है वो हेडिंग डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स की है और सीट जो है हमेशा चेंज होते रहता है, डेटा चेंज होते रहता है। मतलब कि यहाँ पे जैन से मार्च आ जाएगा और चार सीट नहीं ऐसी थी, 40 सीट्स है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए मैं एक वी लुकअप लगाता हूँ, अगर मैं नॉर्मली लगाऊ तो क्या करना पड़ेगा कि वी लुकअप मैं क्वार्टर वन पे गया कॉमा टू कॉमा जीरो। अब देखिए मुझे एक एक सीट का डेटा तो मिल गया, अब दूसरे सीट के डेटा अगर मैं लगा करूं दूसरे सीट पे लगाऊं तो ये दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे सीट से है। मतलब तो यहाँ क्वार्टर वन के जगह पे मुझे क्वार्टर टू लिखना होगा तब जाके क्वार्टर टू आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में बस सीट नेम का डिफरेंस है, बाकी सब सही है। तो मैंने क्या किया कि जो सीट नेम था उस सीट नेम को यहां से डिलीट किया और हमने कॉलम के हेडिंग के साथ उसको कॉन्केट कर दिया। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब कॉन्केट हुआ इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा, कॉन्केट हुआ तो भी एरर दे रहा है। क्यों? अभी एरर इसलिए दे रहा है, इसको हम फॉर्मूला एवेल्युएट पे जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्यों एरर दे रहा है। पूजा ये आपके सामने चला, तो ये देखिए क्वार्टर वन ए और बी बन गया बट इन्वर्टेड कॉमा में। अब इन्वर्टेड कॉमा में होने से क्या फर्क पड़ा? इन्वर्टेड कॉमा में होने से फर्क ये पड़ा ये टेक्स्ट रहा, इसको सीट कंसीडर किया ही नहीं। तो सीट को कंसीडर कराने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट का, जो कि हमने पिछले क्लासेस में बताया था जब हमने रेफरेंसेस की फॉर्मूला। मैं इसकी ए को फ्रीज कर देता हूं जस्ट, और बी वन में हम वन को फ्रीज कर देते हैं। और फिर हम चारों तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो ये अलग अलग शीट से मुझे डेटा दिखा दिया। तो कल के डेट में मेरा सीट का नेम चेंज होता है, मान लो कोई एक नया सीट ऐड होता है, मान लीजिए एक नया सीट यहाँ, ये मेरा समरी हो गया, एक नया सीट ऐड हुआ यहाँ पे जिसका नाम था जैन और यहां पे मेरा डेटा डाला जाता है और यहां पे आपकी सेल्स की फिगर भी डाल देता हूं। और फिर इसमें हम सिर्फ क्या करना है कि जैन हेडिंग डालना है और इस फॉर्मूले को अब जैन बदल के यहां पे मान लीजिए कि ये डीडी हो जाता है तो अब आपका यहां पे एरर है, बस अपने हेडिंग को डीडी कर दीजिए आपका डेटा एरर है। क्लियर है? रजनीकांत जी, विकास चौहान जी, कोई डाउट इसमें? सर क्लियर है, अगर अलग कोई सेपरेट वर्कबुक हो तो तब ये काम करेगा सर? हाँ करेगा, ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके देखिए, दिक्कत होगा तो कॉल कीजिएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसमें और अगला ऑप्शन पे आते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है मल्टी शीट वी लुकअप। जैसे मान लीजिए कि हमारा डेटा वन है और डेटा टू है हमारे पास,
दिस इज डेटा वन और दिस इज द डेटा टू. ओके, तो अब डेटा वन में मेरे पास यहां पे आईडी चलता हूं, मैं आईडी और नेम देता हूं, बाकी डिटेल्स हम बाद में कर लेंगे. चौदह तक जो है एक में है, और फिर यहां भी आईडी और नेम है. देखिए यहां पे आईडी 115 से स्टार्ट है, ठीक है. अब अगली सीट पे मैं यहां पे मल्टी सीट व्यू लुकअप की बात कर रहा हूं. मैं यहां पे आईडी डालता हूं और नेम डालता हूं. अब प्रॉब्लम यह है कि मेरी आईडी यहां पे दोनों सीट की आईडी है. अब ये जो 114 है या 112 है या 119 है, अब जरूरी नहीं कि सीट वन में ही हो, ये सीट टू में भी हो सकता है. तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो मैं दोनों डेटा को एक जगह पे मर्ज कर दूं, और दूसरा कि हम मल्टी शीट वीलू के वाला कंसेप्ट को अपनाएं. कैसे, देखिए हम यहां पे लगाते हैं वीलू का लुकअप वैल्यू, और हम पहले शीट पे चले जाते हैं (2, 0). तो पहले शीट से आ गया, फिर मैं यहां पे वी लुकअप लगाता हूं और हम इसको दूसरे सीट से लुकअप करते हैं (2, 0). अब जैसे कि अब यहां पे मैं 119 कर दूंगा तो पहले सीट का एन आ जाएगा, दूसरे सीट का रिजल्ट आ जाएगा. और मैं 112 कर दू तो पहले सीट आएगा, दूसरे सीट नहीं आएगा. तो इस दोनों इस वी लुकअप में से कोई एक ही रिजल्ट देगा, और इसको हम एक ही सेल पे लगाना चाहते. तो यहां पे आप इफ एरर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इफ एरर फॉर्मूले में आप दो फॉर्मूले लगा सकते हैं. अगर पहला फॉर्मूला एरर दिया तो दूसरे पे चलेगा, अगर दूसरा फॉर्मूला एरर दिया तो पहले पे चलेगा. हमने डी वन का भी लुकअप इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसमें हमने कॉपी पेस्ट कर दिया डी टू की वैल्यू. अब मैं इसको कट करके यहां रख देता हूं और नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं. ये थी हमारी मल्टी शीट वीलू का. क्लियर है आप लोगों को? रजनीकांत जी, हेलो जी, क्लियर है? तो इसमें अब आपका वीलू का एक लास्ट एग्जांपल बचता है, लेकिन वो लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा उसको कल. लेकिन उससे पहले आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा. अभी मैंने आपके सामने जो है इस एरर में दो वीलुकअप का इस्तेमाल किया, और हमने दो शीट से डेटा को फाइंड आउट किया. अब आपको इसी फॉर्मूले में एडिट करना है, और मुझे तीन और चार दो फॉर्मूले बनाना है, जो तीन भी तीन सीट से डेटा को ले, और दूसरा बनाना है आपको चार सीट से डेटा को ले. ए फाइल में आप लोगों को मेल कर देता हूं ताकि आप लोग उसको आसानी से कर सके. ठीक है, जरूर करके भेजिएगा, वरना वी लुकअप को सही से नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी. मैंने आपको मेल कर दिया, इसको कीजिए. आज थोड़ी सी छोटी क्लास है, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि वी लुकअप पे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले आप. ओके, आप लोगों के पास कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं किसी भी तरह का. चलिए,
मिलते हैं सेम टाइम, ओके बाय। थैंक यू। तो YouTube देखा किस तरह से भी मैंने क्लासेस ली, हालांकि क्लासेस बहुत छोटी थी, 20 मिनट की क्लासेस थी, लेकिन जनरली हमारे 45 मिनट की क्लासेस होती है, लेकिन इन लोगों ने प्रैक्टिस सही से नहीं किया था, तो अगला टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैंने बोला आप प्रैक्टिस कीजिए तो आगे पढ़ाए, क्योंकि पढ़ाने में कोई फायदा नहीं होता अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। उसी तरह से अब यूट्यूब पर वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा जब तक उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप हमारे साथ अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे पास दो मोड अवेलेबल है। पहला है हमारा ऑनलाइन क्लासेस जो कि अभी मैंने दिया, आपने देखा कि जैसे 3 बंदे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से मेरे साथ ज्वाइन हुए और मेरे साथ क्लासेस ली। दूसरा हमारा रिकॉर्डेड मोड है जिसमें आप हमारी पेन ड्राइव या फिर हमारा गूगल ड्राइव का लिंक परचेज कर सकते हैं। वो सिंपल कॉपीबल लिंक होता है, कोई प्रोटेक्टेड नहीं होता, नॉर्मल वीडियो होती है उनके साथ फाइल्स होते हैं, उसको आप कॉपी कर सकते हैं किसी भी डिस्क में किसी भी ड्राइव में और उसके जरिए आप लर्न कर सकते हैं। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कॉल कीजिए या फिर मेरी वेबसाइट iptindia.com पर जाके परचेज कीजिए। अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मेरे साथ डेमो क्लासेस का बुक कीजिए और 2-3 क्लास डेमो लेके देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा।